फिल्म की शुरुआत पैक्सटन, जोश और ओली नाम के तीन दोस्तों को दिखाते हुए होती है। ये तीनों टूरिस्ट हैं जो एम्स्टर्डम में मौज मस्ती करने आए थे। ये एक क्लब में जाते हैं जहाँ ये थोड़ा नशा और लड़कीबाजी करते हैं। इसके बाद ये अपने हॉस्टल रूम में आ जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात एलेक्स नाम के लड़के से होती है। एलेक्स को जब पता चलता है कि ये तीनों यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं तो वो इन्हें स्लोवाकिया जाने को कहता है, क्योंकि स्लोवाकिया में जंग की वजह से काफ़ी सारे लड़के मारे गए थे, इसलिए वहाँ लड़कियों की आबादी ज़्यादा है और वहाँ की लड़कियाँ अमेरिकन सड़कों पर मरती हैं। एलेक्स की बातें सुनकर इन तीनों की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है और ये अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन में इन्हें एक ओल्ड बिजनेसमैन मिलता है जो इन्हें अपनी डॉटर सस्किया की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में बातें करने लगता है। इसके बाद जब बिजनेसमैन को पता चलता है कि ये तीनों स्लोवाकिया जा रहे हैं तो वो इन्हें बताने लगता है कि स्लोवाकिया में आप पैसों के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो स्टेशन देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान सा था। इसके बाद ये टैक्सी से एलेक्स के बताए हुए हॉस्टल में जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि यहाँ प्राइवेट रूम अलाउड नहीं है, इसलिए आप जिस रूम में रहने वाले हैं उसमें कुछ लोग पहले से रह रहे हैं। ये तीनों मुंह लटका कर रूम में जाते हैं और एकदम से खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके रूम में दो लड़की रूममेट थी। दोनों लड़कियां स्पा लेने के लिए जा रही थी तो इनके पीछे पीछे ये तीनों भी चले जाते हैं। स्पा में कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों की थी। इन तीनों लड़कों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ ये नटालिया और स्वेटलाना नाम के दो लड़कियों से बातचीत करते हैं। ये तीनों अपने अपने तरीके से इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर ये क्लब में जाते हैं। यहाँ ये वाला नाम की एक और टूरिस्ट से मिलते हैं। वाला अपने फ्रेंड काना के साथ यहाँ घूमने आई थी। ये तीनों फ्रेंड्स अपनी अपनी पसंद की लड़की के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब ये जागते हैं तो देखते हैं कि ओली मिसिंग है। इन्हें लगता है कि वो कहीं अय्यासी कर रहा होगा। ब्रेकफास्ट तक तो आ ही जाएगा मगर ओली ब्रेकफास्ट के टाइम भी नहीं आता है। तब ये रिसेप्शन पर जाकर ओली के बारे में पूछताछ करते हैं। रिसेप्शनिस्ट इन्हें बताता है कि ओली तो आज सुबह ही यहाँ से जा चुका है। जॉस और पैक्सटन को ये जानकर हैरानी होती है कि ओली ने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया बिना उन्हें बताए, जबकि उसे तो ये जगह बहुत पसंद आई थी। वो यहाँ कई दिनों तक रुकना चाहता था। वो इस बारे में नटालिया और स्वेटलाना से बात करते हैं। नटालिया को लगता है कि ओली वाला के साथ कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए गया होगा, वो जल्द ही लौट आएगा। इसके बाद जब जॉस और पैक्सटन शहर में घूम रहे थे तो इन्हें ओली दिखाई देता है। ये दोनों उसे आवाज लगाते हुए फॉलो करने लगते हैं। ओली एक म्यूजियम के अंदर जाता है इसलिए ये दोनों भी अंदर जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि जैसे ये ओली समझ रहे थे वो तो कोई दूसरा ही इंसान है। उसने बस ओली की तरह जैकेट पहन रखा था। ये उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये जैकेट कहाँ से मिली। वो आदमी बड़ी ही रूडली जवाब देता है कि ये तो मेरा ही जैकेट है। कुछ देर बाद इन्हें ओली का एक मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो घर जा रहा है, पर सच्चाई तो ये थी कि एक जगह ओली का कटा हुआ सर रखा था, यानी उसे किसी ने मार दिया था और किलर ने ही ओली के फ़ोन से उसके दोस्तों को मैसेज कर दिया था। इसके बाद किलर वाला की ओर बढ़ता है। वाला अभी तक जिंदा थी पर ज़्यादा देर तक नहीं। वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। दूसरी ओर जॉस ओली को कॉल करने का ट्राई कर रहा था पर उसका फ़ोन बार बार बंद आ रहा था। नटालिया और स्वेटलाना जॉस और पैक्सटन को डिस्को चलने को कहती हैं, पर वो ओली के यूँ गायब हो जाने से दुखी थे इसलिए मना कर देते हैं। पर थोड़ी ही देर में पैक्सटन का फैसला बदल जाता है। वो जॉस को समझाता है कि ओली हमें सफर में मिला था, हम उसे सही से जानते तक नहीं हैं। हो सकता है उसका मन बदल गया हो और वो कहीं और घूमने के लिए निकल गया हो। उसके चक्कर में हम अपना मजा क्यों खराब करें। इसलिए ये दोनों डिस्को जाते हैं और मजे करते हैं। पर जॉस को ये सब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जॉस खुद को किलर के रूम में पाता है जहाँ टॉर्चर करने के लिए ढेर सारे औजार रखे थे। किलर एक ड्रिल मशीन से जॉस के सीने को ड्रिल कर देता है। किलर जब मास्क उतारता है तो पता चलता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि ओल्ड बिजनेसमैन है जो इन्हें ट्रेन में मिला था। वो जॉश को बताता है कि मैं हमेशा से एक सर्जन बनना चाहता था पर मैं बन नहीं सका क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँपते हैं, इसलिए मैं एक बिजनेसमैन बन गया। मैं
मैंने काफ़ी पैसे कमाए पर मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई थी। जॉन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तब किलर जोश के दोनों पैरों को पीछे से थोड़ा थोड़ा काट देता है, फिर वो उसे आज़ाद कर देता है। जॉर्ज जैसे ही जाने के लिए खड़ा होता है वो तुरंत गिर जाता है। तब वो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर किलर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जब पैक्सटन जागता है तो वो जॉर्ज को मिसिंग पाता है। वो रिसेप्शन पर जाकर इंक्वायरी करता है, वहां से उसे पता चलता है कि जॉर्ज ने तो चेकआउट कर दिया है और किसी ने पैक्सटन का भी चेकआउट कर दिया था। तब पैक्सटन को अपने लिए दोबारा से रूम बुक करना पड़ता है। जब वो रूम में जाता है तो पहली बार की तरह ही वहाँ दो लड़कियाँ ड्रेस चेंज कर रही थी। वो जब पैक्सटन को देखती हैं तो उसे स्पा में आने के लिए इनवाइट करती हैं। ये सब पैक्सटन को काफ़ी अजीब लगता है। वो जॉर्ज को कॉल करता है पर कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद कुछ बच्चों की गैंग आती है, वो पैक्सटन के फ़ोन छीन करके भाग जाती है। तब पैक्सटन पुलिस स्टेशन जाता है और जॉर्ज के मिसिंग होने की बात बताता है। पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि जॉर्ज अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, मगर इस बात पर पैक्सटन को ज़रा सा भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर जॉर्ज बिना बताए कहीं जाएगा भी तो उसकी नोट चोरने की बुरी आदत है। वो नोट में उसे इन्फॉर्म कर ही देता कि वो कहाँ जा रहा है। तब पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पैक्सटन नेटालिया और स्वेटलाना के पास जाता है और जॉर्ज की गायब होने की बात बताता है, पर वो पैक्सटन की बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी, जिससे पैक्सटन को गुस्सा आ जाता है। तब वो पैक्सटन को आर्ट शो में जाने को कहती हैं। पैक्सटन को पता नहीं था कि आर्ट शो किस जगह पे होता है, इसलिए स्वेटलाना पैक्सटन को लेकर आर्ट शो वाली जगह पर जाती है। पैक्सटन को ये जगह बाहर से देख कर ही काफ़ी अजीब लग रही थी, मगर वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बिना कुछ सोचे समझे स्वेटलाना के साथ अंदर चला जाता है। दरअसल स्वेटलाना पैक्सटन को किलर के अड्डे पर ले आई थी, जहां पैक्सटन देखता है कि ओल्ड बिजनेसमैन जॉर्ज की बॉडी की सर्जरी कर रहा था। पैक्सटन को खांसी आ जाती है और किलर उसे देख लेता है। स्वेटलाना हंसने लगती है और तभी दो लोग आकर पैक्सटन को पकड़ लेते हैं। वो उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। इस दरमियान पैक्सटन को कई सारी लाशें दिखती है, साथ ही अभी भी कुछ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। पैक्सटन को भी एक सेल में चेयर से बांध दिया जाता है। कुछ देर बाद दो लोग आते हैं, वो पैक्सटन से कुछ कहने को कहते हैं। पैक्सटन जैसे ही कुछ कहता है वो समझ जाते हैं उसके एक्सेंट से कि ये जरूर अमेरिकन है। इसके बाद एक और सेंट्री किलर पैक्सटन के नज़दीक आता है। पैक्सटन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो। इससे किलर नर्वस होने लगता है, वो पैक्सटन के मुंह में बॉल दे देता है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। पैक्सटन तड़पने लगता है, तब किलर चैंसो से पैक्सटन को काटना चाहता है। वो पैक्सटन के फिंगर्स काट देता है जिससे पैक्सटन का हाथ खुल जाता है। फिर जब किलर उसे काटने के लिए नज़दीक आने लगता है तब वो पैक्सटन के खून से फिसल कर गिर जाता है। साथ ही चैंसो भी उसकी बॉडी पर ही गिर जाता है जिससे किलर का पैर कट जाता है। वो फिर से चैंसो लेने के लिए बढ़ता है, तब तक मैं पैक्सटन पास में रखे गन से किलर को शूट करके मार डालता है। इसके बाद पैक्सटन अपने चेयर पर ही बैठा रहता है। गार्ड जब चेक करने आता है तो वो उसे भी शूट करके मार डालता है। फिर पैक्सटन किलर का ड्रेस पहनकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए पैक्सटन घबराकर दूसरे रूम में छिप जाता है। वो एक ग्लास की ट्रॉली में छिप गया था। एक बूचर उसे लेकर दूसरे रूम में जाता है जहाँ ढेर सारी लाशें रखी थी, वहीं जॉर्ज की बॉडी भी थी। पैक्सटन देखता है कि बूचर लाशों को काट काट कर भट्टी में डाल रहा है। सही मौका मिलते ही पैक्सटन वहां से भाग जाता है। वो भागते हुए उस रूम में पहुंच जाता है जहां सारे किलर्स ड्रेस चेंज किया करते थे। पैक्सटन विंडो से पुलिस ऑफिसर को देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि पुलिस वाले भी इस खूनी खेल में शामिल है। इसके बाद पैक्सटन वहां रखी एक ड्रेस पहन लेता है। उससे जेब से एक कार्ड मिलती है जिसमें जगह का नाम एलीट हंटिंग मैंशन था और पीछे विक्टिम की नेशनलिटी के हिसाब से पैसे भी लिखे हुए थे। यहाँ एक अमेरिकन विक्टिम को मारने के लिए $25,000 चार्ज किए जाते थे। पैक्सटन ये सब देख ही रहा था कि यहाँ एलीट हंटिंग क्लब का एक और मेंबर आ जाता है। वो पैक्सटन को भी यहाँ का एक क्लाइंट समझता है, इसलिए वो उसे बातें करने लगता है कि उसने अपने विक्टिम को कैसे मारा। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसके जाते ही पैक्सटन वहाँ से छिप कर भाग जाता है, पर तभी उसे कैना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल पैक्सटन इस हॉस्टल में रुका था, वहाँ कैना नाम की एक टूरिस्ट भी रुकी हुई थी जिसे पैक्सटन की दोस्ती हो गई थी।
वो आवाज को फॉलो करते हुए कैना तक पहुंच जाता है। वहां एक किलर भी था। पैक्सटन उसे शूट करके जख्मी कैना को अपने साथ भगा ले जाता है। पर जब वो कार से बिल्डिंग से निकलने लगता है तब कुछ गार्ड्स उसे नोटिस कर लेते हैं। वो अब पैक्सटन के पीछे पड़ जाते हैं। रास्ते में पैक्सटन नैटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स को साथ में देखता है। पैक्सटन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इन्हीं की वजह से वो आज यहाँ फंसा हुआ था और उसने अपने दोस्तों को भी खो दिया था, इसलिए वो उन पे कार चढ़ा देता है। इसके बाद पैक्सटन किसी तरह रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुँचता है जहाँ पुलिस पहले से चेकिंग कर रही थी। एक्चुअली वो इन्हें ही ढूंढ रही थी, इसलिए पैक्सटन कार से उतरकर पैदल ही स्टेशन पहुंचता है। मगर स्टेशन में भी क्लब के मेंबर्स घूम रहे थे। कैना एक वॉल के रिफ्लेक्शन में अपना जख्मी चेहरा देखकर टूट जाती है। वो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है, जिससे सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और इतने में पैक्सटन ट्रेन में बैठकर भाग जाता है। ट्रेन में उसे उसी ओल्ड बिजनेसमैन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे तब मिला था जब वो स्लोवाकिया आ रहा था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वो बिजनेसमैन उतर जाता है और उसके पीछे पीछे पैक्सटन भी उतर जाता है। वो देखता है कि बिजनेसमैन अपनी डॉटर ससकिया के साथ टॉयलेट जा रहा है। पैक्सटन ससकिया को टॉयलेट से गायब कर लेता है। बिजनेसमैन पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वहीं पैक्सटन ससकिया को लेकर भाग जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दरअसल पैक्सटन एलीट हंटिंग क्लब का सारा माजरा समझ गया था कि कैसे कुछ अमीर लोग पैसों की बदौलत टूरिस्ट को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर वो उन्हें टॉर्चर करके मारते हैं। पैक्सटन अब इस क्लब के लोगों से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज़ गाइड हिंदी को सब्सक्राइब करें।